एक दवा है डेक्सामेथासोन, सस्ती ही है, मार्केट में उपलब्ध है। इसके बारे में नई रिसर्च है कि इसके इस्तेमाल से कोरोना के उन मरीजों में मौत कम हो रही है जो वेंटिलेटर पर हैं या ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इलाज के लिए पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आई, फिर आई रेमडेसिविर। अब ये नई दवा क्या है, क्या पुरानी दवाओं से ज़्यादा कारगर है, क्या है मामला, आइए आसान भाषा में जानते हैं मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। क्या है डेक्सामेथासोन? स्टेरॉइड जानते हैं, स्टेरॉइड मतलब वो दवा जो शरीर के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन या दर्द या तकलीफ को कम करती है, शरीर के इम्यून सिस्टम का काम थोड़ा कम करके। डेक्सामेथासोन भी एक स्टेरॉइड है। ऐसे समझिए कि जिस मरीज को इन स्टेरॉइड को दिया जाता है उनका रोग भले ही न जाए लेकिन रोग के सिम्टम में जैसे दर्द हो वो काफ़ी कम हो जाता है। डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल एलर्जी, अस्थमा, स्किन के रोग, एक्जिमा, पेट की कुछ बीमारियां और गठिया में होता है। अब इस दवा पर रिसर्च किसने की है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। यही लोग कुछ समय से कोरोना की वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। क्या है रिसर्च? एक ट्रायल हुआ, ट्रायल का नाम है रिकवरी, पूरा नाम रैंडमाइज्ड इवैल्यूएशन ऑफ कोविड-19 थेरेपी। इस ट्रायल के तहत बहुत सारी दवाओं को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। डेक्सामेथासोन का नंबर आया। डेक्सामेथासोन को 2104 कोरोना वायरस के मरीजों को दिया गया, रोज का डोज 6 मिलीग्राम 10 दिनों तक, और इन 2104 मरीजों की बराबरी उन 4321 मरीजों से की गई जिन्हें ये डेक्सामेथासोन न देकर कोरोना के आम इलाज पर ही रखा गया। क्या पता चला रिसर्च में? 28 दिनों के बाद दवा का असर देखने को मिला। वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की मौतों की संख्या में 35% तक की कमी आई। मतलब 100 मरीजों को वेंटिलेटर पर मौत हो रही थी तो इस दवा के इस्तेमाल के बाद वो घटकर 65 ही रह गई है। वहीं जिन मरीजों को कृत्रिम ऑक्सीजन दिया गया उनकी मौतों में भी 20% तक की कमी आई। लेकिन डेक्सामेथासोन ने उन मरीजों पर काम नहीं किया जिनकी स्थिति लगभग सामान्य थी या जो कम बीमार दिख रहे थे। ये रिसर्च करने वाली टीम के लीडर पीटर होर्बी ने बताया कि डेक्सामेथासोन बहुत सस्ती दवा है जो आसानी से दवा की दुकानों पर मिल जाती है। पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल तुरंत शुरू कर देना चाहिए। तो क्या यह दवा कोरोना को ठीक कर देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोरोना से दिक्कत हो रही है, जैसे सांस फूलना, बुखार या और कोई दिक्कत, और आप सपोर्ट सिस्टम पर हैं तो यह दवा उस दिक्कत को दूर कर सकती है। ऐसी दिक्कतें अगर शरीर के इम्यून सिस्टम की वजह से उपजती हैं जिसके बाद मरीज की हालत और ख़राब हो जाती है, इस वजह से इस दवा को दिया जाता है ताकि तकलीफ कम हो और मरीज को बचाया जा सके। तो क्या हम दुकान से इसे खरीद कर खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये दवाएं स्टेरॉइड की श्रेणी में आती हैं। इनका असर लोगों में अलग अलग तरीकों से होता है। वैसे भी अभी भारत में इस दवा के इस्तेमाल को ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी नहीं दी है। डॉक्टर भी दवा को प्रिस्क्रिप्शन पर ही खाने की सलाह देते हैं। और तो और फिर से बता रहे हैं, ये दवा कोरोना के लक्षणों में मदद करती है, रोग दूर नहीं करती। अगर आपको लक्षण नहीं तो ये दवा आपके काम की नहीं है। ये जानकारी हमारे साथी सिद्धांत आपके लिए लेकर आए हैं। सिद्धांत पहले भी कोरोना वायरस से जुड़े मेडिकल अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहे हैं। अगली बार फिर आऊंगी नई जानकारी के साथ आसान भाषा में। शुक्रिया।